बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें ख़ास तौर पे मैं कैम्ब्रिज ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो इस्लामियात का पेपर वन होने जा रहा है उसका गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चंस पेपर में जाने से पहले रिवाइज कर लेंगे, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, तो आप इस्लामियात में 40 से अबव जो है वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैं मुकम्मल डिटेल की तरफ आता हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुँच सकें। अच्छा, पहले पहले मैं आऊँगा जो थीम आता है आपका, मुख्तलिफ जो कुरानी सूरतों की चंद आयात होती हैं जिसमें से आपने तकरीबन 3 दी होती हैं और उनमें से 2 करनी होती हैं, तो उनमें आपने ख़ास तौर पे जो सूरह नास है, सूरह इखलास, सूरह फातिहा और सूरह बकरा की चंद आयात हैं और सूरह जिलजाल, ये 5 सूरतें अगर आप कर लेंगे तो आपकी जो ख़ास तौर पे 2 पोर्शन है तकरीबन इसमें 2 पोर्शन कवर हो जाते हैं, यानी जो 2 कुरानी सूरतों की चंद 2-2, 3-3 आयात होती हैं तकरीबन 13 टोटल बनती हैं। कोशिश तो करें आप 13 की 13 करें, 2-2, 3-3 आयात हैं, ईज़िली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टली भी करना चाह रहे हैं तो इन सूरतों को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सूरह जिलजाल, सूरह नास, सूरह अलक, सूरह अलक की पहले 5 आयात हैं, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह बकरा की जो आयात हैं जो कि आयतुल कुर्सी की जो है वो फॉर्म में है, तो वो आयात आपने ज़रूर कर लेनी है। साथ ही साथ अगले मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ये आयात होती हैं जो 8 नंबर की होती हैं और आगे जो 14-14 नंबर के तकरीबन 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपने 3 करने होते हैं, तो उनमें ख़ास तौर पे मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि जो बैटल्स हैं उनको आपने अच्छी तरह से करना है, उसमें से एक लॉन्ग जो है वो ज़रूर आएगा। साथ ही साथ आपने जो है वो कंपेनियंस ऑफ दी होली प्रॉफिट, ये टॉपिक अच्छी तरह से करके जाना है, इसमें से भी लॉन्ग आएगा। और इसके साथ साथ जो लाइफ इन मक्का है, द होली प्रॉफिट लाइफ इन मक्का और द होली प्रॉफिट लाइफ इन मदीना, इसमें से एक लॉन्ग जो है वो पेपर में ज़रूर आएगा। साथ ही साथ जो लास्ट में मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इसमें से भी एक लॉन्ग ज़रूर बनेगा, वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट और कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, इन दोनों टॉपिक्स में से भी एक लॉन्ग जो है वो ज़रूर बनेगा। आपने इन टॉपिक्स को पेपर में जाने से पहले अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। अगर आप ये टॉपिक्स जिनमें 13 सूरतों की चंद आयात और ख़ास तौर पे मैंने जो सूरतें आपको बताई हैं एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, सूरह नास, सूरह जिलजाल, सूरह फातिहा, सूरह अलक की पहली 5 आयात और इसके साथ साथ सूरह इखलास, ये जो अहम 5 सूरतें इनको ज़रूर करके जाएँ। और साथ साथ जो मैंने टॉपिक आपके साथ शेयर किए हैं इनको पेपर जाने से पहले ज़रूर जो है वो रिवाइज नहीं बल्कि अच्छी तरह से तैयार करके जाएं। अगर ये टॉपिक आप अच्छी तरह से तैयार करके जाएंगे तो पेपर 1 जो इस्लामियात का ओ लेवल का है आपका, वो अच्छी तरह से आपका कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। शुक्रिया।